आज की इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं एनबीसीसी स्टॉक के बारे में। और एनबीसीसी स्टॉक इस समय वन साइडेड ट्रेंडिंग स्टॉक रहा, लोअर लेवल से काफी बड़े ट्रेंड दिखे। आगे के टारगेट और न्यूज को समझे इससे पहले प्रीमियम टेलीग्राम को ज्वाइन करके डिस्क्रिप्शन के लिंक से अकाउंट ओपन कर लें, जिससे आपको एक्टिव ट्रेडिंग कम्युनिटी और लर्निंग ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। 3 दिन पहले की ये न्यूज है कि एनबीसीसी शेयर सर्ज एज इट प्लान्स टू सेल कमर्शियल स्पेस वर्थ ऑफ नियर अराउंड 6,000 करोड़, जिसका एक्चुअल नंबर 5,716 करोड़ का है। और इसके बाद स्टॉक में तेजी दिखी। यहाँ देखेंगे तो यही कॉमर्शियल जो बिल्डिंग्स हैं उसके सेलिंग को लेकर के न्यूज आते दिखी। इससे पहले देखेंगे 100 करोड़ का ऑर्डर सेल के तरफ से कंपनी को मिलते हुए दिखा था। जो डिलीवरी है वो काफ़ी बेटर दिख रही है और जो ट्रेंड है वो भी काफ़ी बेटर ट्रेंड दिखा है। और 5 ईयर के ट्रेंड अभी भी कंसोलिडेट पॉजिटिव ही दिख रहे हैं, जबकि पिछले 1 ईयर और 6 मंथ के रिटर्न नियर अराउंड 100% के आसपास तक का है। एक बार इसके चार्ट को देखें, यहां देखेंगे तो अगेन हायर वॉल्यूम स्टॉक में देखने को मिल रहा है। RSI अभी भी ओवरबाउट के जोन में नहीं है, यानी पॉसिबिलिटी ट्रेंड अभी भी है। जो MACD है, मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन, उसका सिग्नल पॉजिटिव है। और ये चार्ट जो है ये पिछले 5 साल के मंथली चार्ट हैं। और यहां एक बड़ा ब्रेकआउट दिख रहा है और 65 के लेवल के ब्रेकआउट पे 120 यानी 100% तक के गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एक लॉन्ग ट्रेंड अपर साइड इस स्टॉक में एक्सपेक्ट किया जा सकता है।